अच्छा है कि मुझे छोटा अंडा मिला। अंडा इतना बड़ा क्यों है? कितना बुरा। ऐसा लगता है कि बेटा बहुत बदकिस्मत है। हंसना बंद करो, चलो केसी अपना अंडा खाओ। नहीं एलेक्स चलो। अच्छा ठीक है, मैं ये अंडा खाऊंगा। मैं काटने की कोशिश करता हूँ, कुछ काम नहीं करता। मैं देखो नहीं हो रहा है। सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है एलेक्स, ये लो पकड़ो। हाँ धन्यवाद केसी। तो चलते हैं। अरे नहीं, अरे नहीं। कितना घिनौना है। बड़ी जल्दी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए एलेक्स। चलो अपना अंडा खाओ केसी। आसान है, देखो मेरे पास क्या है। उसके पास क्या है? ठीक है, पहले मुझे सब कुछ तैयार करने की जरूरत है। और अब एक फ्राइंग पैन में अंडे को तोड़ना और फिर फ्राई करना है। हो गया, बढ़िया तले हुए अंडे तैयार हैं। वाह बहुत अच्छा, अब खाने का समय है। यह कितना स्वादिष्ट है। खैर अब तुम्हारी बारी है बेटा। अरे नहीं। अंदर क्या है? तो यहाँ गंभीर कार्रवाई की जरूरत है। आउच, ओह, ओह। वाह, कितना अच्छा। यहाँ मुझे सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए। वह क्या करने वाली है? ओह, ओह, ध्यान से। अरे चलो देखो कि अंदर क्या है। वाह, अरे सावधान रहो। अरे वाह इतने सारे स्वादिष्ट ट्रीट्स एक साथ, बहुत खाना है। वीटा कम से कम एक यमी ट्रीट हमारे साथ शेयर करो प्लीज। अच्छा ठीक है रुको। यह लो। वाह ओ कितने स्वादिष्ट ट्रीट्स हैं। वाह मेरे पास कितना बढ़िया सीरियल है। बस अविश्वसनीय, ये बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है बेटा। हे, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। ओह ये बहुत अच्छा लगता है। केवल एक? खैर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी दूध है। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद। क्या दुर्भाग्य है बेचारी बेटा। चलो अपना कॉर्नफ्लेक्स खाओ एलेक्स, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वाह यम 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 यम। और अब दूध पीता हूँ। हाँ वाह मुझे भी भूख लग रही है। और अब एक बार में। वाह कितना बढ़िया, कितना लालची है। अब इतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। वाह ये बहुत अच्छा था। केसी अब तुम्हारी बारी है। मैं इतना दूध कैसे पी सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है। सारे कॉर्नफ्लेक्स एक बाउल में डालते हैं। हाँ ओह केसी के पास कितने सारे कॉर्नफ्लेक्स हैं। बहुत अच्छा, सीरियल की बारिश। वाह पकड़ो कॉर्नफ्लेक्स पकड़ो। सुपर, और अब थोड़ा दूध डालती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। वाह अद्भुत। और अब खाने का समय है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे जानना है ये कब तक ये सब खाएगी। मेरे फनी पॉनीटेल को देखो। ओह मैंने आखिरकार सब खा लिया। क्या हुआ? लगता है आखिरकार कोई
खाना खत्म कर लिया। ओ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। कितना प्यारा सा केक है। वाह, कितना बड़ा स्वादिष्ट कूल केक है। बेटा देखो केसी के पास क्या है। वाह, कितना अच्छा। आ, क्या कमाल का केक है। ओ, तुम्हारे पास कितना छोटा केक है एलेक्स। हाँ, एलेक्स के पास बहुत छोटा केक है। हंसो हंसो और मैं खाना शुरू करता हूँ। और मेरे पास एक कांटा और चाकू भी है, देखो बिल्कुल सही साइज का। अब इसे खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब। चलो बेटा तुम्हारी बारी है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब खाना शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, असली ट्रीट। ओह, वह कितनी लापरवाही से खाती है। मैं ये सब खाना चाहती हूँ। हाँ, वो पूरी नीली हो गई है। अरे तुम किस पर हंस रहे हो, बेहतर होगा कि तुम अपना केक खाओ केसी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं इसे नहीं देख सकता। कितना स्वादिष्ट है केसी। सावधान, नहीं। हाँ, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या है। हाँ, अरे नहीं। ओह, अपने केक के साथ गिर गई। ओह, सब ठीक है। आउच। हाँ, और मैं इसको अभी भी खा सकती हूँ। मैं भी खाना चाहता हूँ। चलो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सॉसेज पसंद है। ये बहुत अच्छा है कि मुझे यह मिला, और वो भी एक बड़ा सॉसेज। स्वादिष्ट। और अब मैं पता लगाऊंगी कि मुझे कौन सी स्वादिष्ट चीज मिलेगी। अरे नहीं, मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए था, एक गंदा कॉकरोच नहीं। शायद मैं फिर से घुमा सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम चाहती हो कि मैं बकवास खाऊं? कितनी बदबू आ रही है, और ये रेंगते भी हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। यदि तुम ये नहीं करना चाहती हो तो बुरा होगा, पनिशमेंट पहिए का समय है। नहीं, मैं कॉकरोच खा लूंगी। हालांकि वे मेरे स्वादिष्ट पिज्जा में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। उन्होंने मेरे हाथ पर हमला किया। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा सॉसेज खाने का समय हो गया है। तुमने एकदम सही कहा। मुझे लगता है कि मैं पिज्जा से एक हॉट डॉग बनाऊंगी, स्वादिष्ट सॉसेज को भर के। जरा देखो कि ये कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मैंने लंबे समय से कुछ इससे बेहतर नहीं चखा है। सॉसेज पिज्जा के स्वाद को और भी कमाल का बना रहा है। ये साधारण हॉट डॉग की तुलना में बहुत स्वादिष्ट है। जूली, तुम मुझे अपनी स्वादिष्ट पिज्जा को खाने के लिए मजबूर कर रही हो, और बेशक मैं इसे खुशी खुशी करूंगी। तुम क्या कर रही हो, किसने तुम्हें मेरे सॉसेज और मेरे पिज्जा को छूने दिया? चलो मुझे हॉट डॉग दे दो। शर्म नहीं आती? अपने कॉकरोच खाओ। मुझे नहीं खाना, बहुत सारे हैं। वे स्पष्ट रूप से मेरा पिज्जा खाना चाहते हैं। अरे हाँ, सच में बहुत सारे हैं। चलो सब बाहर निकलो, मुझे कम से कम पिज्जा का एक बाइट खाने दो। ओह, उन्होंने मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा है। खैर, अब इसे खाना आसान है। उसने एक कॉकरोच खा लिया, कितना खराब। लगता है मेरे मुंह में कोई आ गया है। हटो। मीला के मुंह में अब कॉकरोच का साम्राज्य बसेगा। क्या मैं इस बार पहले पहिया घुमा सकती हूँ? पता नहीं इस दौर में मेरे साथ क्या होगा। अरे नहीं, कीड़े नहीं। मैं च्युइंगम से खुश होऊंगी, कीड़े से नहीं। अरे, मुझे हबा बबा पसंद है, कितना अच्छा। अब पहिया घुमाने की मेरी बारी है।
यह सही नहीं है। उसे च्युइंगम क्यों मिला और मुझे चिकन के पैर, ये कितने डरावने और गंदे हैं। हाँ, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है। और बेहतर होगा कि तुम इसे जल्दी से खा लो। हाँ सच में, मैं किसका इंतजार कर रही हूँ। पिज्जा को सुंदर और स्वादिष्ट बनाने के लिए इन च्युइंगम को सजाने का समय आ गया है। वे रंगीन और लंबे होते हैं, इसलिए पिज्जा अब पक्का इसके साथ नए रंगों से जगमगाएगा। मुझे यकीन है अच्छा होगा। तड़ाम! कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह कमाल का निकला। हाँ, यह अच्छा लग रहा है। चिकन पैरों की तरह गंद नहीं। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मिला इस शरारत से चौंक जाएगी जो मैं उस पर करने वाली हूँ। यह क्या बकवास है? नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। बेहतर होगा तुम इनको मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि पिज्जा पर लगाओ, ये ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे सजा क्यों दी जा रही है? मैं पिज्जा के स्वाद का मजा ले सकती थी, लेकिन मुझे चिकन पैरों को खाना होगा। कैसा है जूली, क्या तुम्हें ये पसंद है? स्वादिष्ट पिज्जा है ना? क्या तुम अभी भी मजाक कर रही हो? अपना पिज्जा खाओ। हाँ बिल्कुल, मैं स्वादिष्ट पिज्जा क्यों नहीं खाऊंगी। यह कितना बढ़िया है। मुझे नहीं पता था कि च्युइंगम और पिज्जा एक साथ मिलकर कुछ इतना अच्छा बनाएंगे। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुकना नहीं चाहती। शायद सबसे अच्छा पिज्जा जो मैंने कभी देखा हो। मुझे लगता है ये एक बड़ा गम बबल का समय है। अरे वाह, वो सच में बड़ा है। जितना बड़ा बबल उतना बड़ा धमाका। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? मैं इसके कारण कुछ भी नहीं देख सकती। चिकन पैरों से छुटकारा पाने का यह मेरा मौका है। उनके बिना पिज्जा खाना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जूली, तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं देखा? यह नहीं चलेगा, मैंने सब देखा है। और अपने धोखे के लिए तुम्हें पनिशमेंट विल का सामना करना पड़ेगा। अरे नहीं, आशा है कि मुझे कुछ अजीब ना मिले। हुरे, बारिश, यह अच्छा है। क्या होगा अगर चिकन पैरों की बारिश हो? हाँ, मदद करो, मैं इन गंदे पैरों से ढक गई हूँ। जूली, तुम बहुत मस्त लग रही हो। देखते हैं इस बार कौन सी ट्रीट मेरा इंतजार कर रहा है। अरे हाँ, यह हुई ना किस्मत। यह गमी आंखों का समय है। उन्हें ना केवल खा सकते हैं बल्कि उनके साथ खेल भी सकते हैं। देखो मिला, मेरी उंगलियों पर आंखें हैं। ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया, यह आंखों को चखने का समय है। कैसा है? स्वादिष्ट, बहुत। मुझे यकीन है कि पिज्जा लाजवाब होगा। मैं भी एक स्वादिष्ट ट्रीट चाहती थी। ऑक्टोपस नहीं, वे इतने छोटे पतले और गंदे होते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि पिज्जा कितना भयानक होगा। हाँ, ये बहुत घिनौना लग रहा है। छी, कितना गंदा लग रहा है। कल्पना कर लो कि ये बहुत खराब होगा। मुझे लगता है मुझे अपना पिज्जा सजाना चाहिए। मुझे यकीन है कि गमी आंखों वाला पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। ये सुंदर और अच्छा भी लग रहा है। कितना स्वादिष्ट है, मैं नहीं रुक सकती। मैं भी गमी को ना नहीं कहूंगी। कुछ भी मना करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से ईर्ष्या करती कि मैंने इतना स्वादिष्ट पिज्जा खाया है। अब मेरे मुंह से आंखें निकल रही हैं। जूली, तुम हमेशा की तरह शरारतें कर रही हो। मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। मिला, तुम क्यों नहीं खाती? मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे याद नहीं दिलाओगी। मैं सच में इन ऑक्टोपस को खाना नहीं चाहती। आशा है कि वे अंदर से मुझसे चिपके नहीं रहेंगे। बेचारी मिला, मुझे तो देखकर भी बहुत बुरा लग रहा है। बेशक वे ऑक्टोपस हैं, उनके पास सक्शन कप है और वे जीभ से चिपके रहते हैं। जूली, क्या तुम्हें लगता है यह फनी है? नहीं, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यह लो। ओह, यह क्या था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम समझ गई होगी कि ऑक्टोपस अच्छा नहीं होता है। तुमने यह क्यों किया? रुको, अब मैं तुम्हारे मुँह में पिज्जा भर दूंगी पूरा। तो तुम निश्चित रूप से इन सभी ऑक्टोपस से बच नहीं सकती। यह लो। छी, कितना गंदा है। जूली, तुम बहुत खराब हो। अरे नहीं, मैंने बस सही किया है। उसके मजे लो। चलो रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं कि कौन पहले जाएगा। मैं जीत गई।
तो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। अरे हाँ, मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। क्या तुम कॉकरोच भी पसंद करती हो? तुम्हें मिल जाएंगे। जूली, तुम्हें पता है कि चीटिंग करना अच्छा नहीं है। पहिये को ठीक करो जैसे वह था, या फिर तुम्हें पनिशमेंट का पहिया घुमाना होगा। अच्छा ठीक है। ये रहे मेरे फ्राइज, इतने सारे हैं और इनसे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जूली, अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। बिल्कुल, आशा है कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मिलेगा, बस स्वादिष्ट होना, स्वादिष्ट होना। नहीं, कुछ भी, लेकिन लहसुन नहीं। ये बहुत खराब है, अजीब है। किसी वजह से वो यहाँ नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा। ध्यान से देखो। ओ हाँ, गंध कहीं से आ रही है। मुझे ये बकवास क्यों मिली है, बहुत खराब। खैर, सबसे पहले लहसुन को छीलना होगा। मेरे पास इसके लिए एक विशेष मशीन भी है। सबसे पहले यहाँ लहसुन की सारी कलियाँ डालनी होंगी और कुछ ही सेकंड में लहसुन बदल जाता है छीले हुए लहसुन में। हो गया। और इससे पिज्जा पर एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं, दिल की तरह। बढ़िया आइडिया है। और फ्राइज की मदद से मैं अपनी भावना व्यक्त करूंगी, खुशी, यानी मैं एक प्यारी सी स्माइली बनाऊंगी। एक स्माइली दिल से बहुत बेहतर है। हाँ कुछ भी, तुमने बस मुझे कॉपी किया है। मेरे लहसुन के दिल को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ हाँ, अब तुम्हें इस दिल को खाना पड़ेगा। मैं इसे कैसे खाऊंगी, दिल कितना खूबसूरत है। तुम बहाने बनाते रहो, पनिशमेंट पहिए का समय है। अरे यार, मैं बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हूँ। मुझे न केवल लहसुन के साथ पिज्जा खाना होगा, बल्कि एक ब्लेंडर में इसका कॉकटेल भी बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक ब्लेंडर है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसा निकलेगा। मुझे लगता है कुछ बहुत ही गंदा होने वाला है। अब हम पता लगाएंगे, चलो। Come on! अगर मैं उल्टी करती हूँ तो मेरा या तुम्हारी गलती होगी, और यह ड्रिंक निश्चित रूप से मुझे बीमार कर देगा। हाँ हाँ, यह सच में गंदा लग रहा है। यह मेरे मुंह में कचरे के डब्बे की तरह है। इस तरह के स्वाद के साथ मैं निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रहूंगी। छी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी इसका पता चलना चाहिए। ओ, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, लहसुन ने मिला को भी मार डाला। क्या है यह सब? मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। वाह, फ्रेंच फ्राइज भी मेरे चेहरे पर आ गए। वाह, कितने सारे गमी आंखें। तुम्हारे पास इतने सारे हैं और मेरे पास केवल एक गमी आंख है, ये सही नहीं है। और ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये जरूर केवल एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मिला परेशान लग रही है, मुझे लगता है कि वो मेरी शरारत से खुश होगी। मुझे आशा है कि वो उसे बहुत क्रूर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार होगा। मिला, देखो मैंने क्या किया है। इतना दर्द हो रहा है, मेरी आंख पर अब वह नहीं रही। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसे मेरे सामने से हटाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट जाएगा। मिला, जूली को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है। कितना स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट है ये। लेकिन ये आग कहाँ से आई? कितना घिनौना। इतनी शरारतों के बाद एक स्वादिष्ट गमी आग, ये ठीक वही है जो मुझे चाहिए। ओके। बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी जल्द से जल्द अपनी कैंडी खाना चाहती हूँ। मेरी आंखों को देखो। एलेक्स, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंख खाने जा रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं भी अपने सारे ट्रीट्स को खुद संभाल सकता हूँ। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे, प्लीज।
और मेरे साथ भी हम दोस्त हैं। दोस्त कोई उम्मीद मत रखो, मैं वैसे भी तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है, मुझे सब ज्यादा दिख रहा है। आंखों वाला एलेक्स। हर किसी के पास इतने सारे ट्रीट्स क्यों हैं और मेरे पास केवल एक ट्विक्स चॉकलेट बार है। आशा करती हूँ कम से कम स्वादिष्ट हो। मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ जो मुझ पर कचरा फेंक रही हो। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है कि चॉकलेट बार को कई स्वादिष्ट भागों में कैसे बांटा जाए। इसमें एक आरी मेरी मदद करेगी। आशा है कि एलेक्स फिर से नहीं रोएगा। ये लो ट्विक्स। प्लीज हमें आरी से मत काटो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, ये आरी चॉकलेट बार के लिए है। क्या स्वादिष्ट चीज है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट ट्विक्स। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले मुझे रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, लेकिन किसी चीज की कमी है। क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छी तरह से जाती है? दूध के साथ। मेरे चेहरे पर सब कुछ क्यों उड़ रहा है, मैं सोच भी नहीं सकती कि कॉम्बिनेशन कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट मिल्क ट्विक्स, एक असली चॉकलेटी जन्नत। मैं नहीं चाहती कि चॉकलेट कभी खत्म हो। तुम क्या देख रहे हो एलेक्स, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन उबाऊ है। उनमें से एक विशाल टावर बनाने बहुत ही अच्छा होगा, और उसे फिक्स करने के लिए न्यूटेला एकदम सही रहेगा। अरे वाह एलेक्स, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा टावर बना सकते हो। क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टावर कुछ रिकॉर्ड बनाएगा। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि हर कोई उसके बारे में जाने। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है, हम इसे सिर्फ खाएंगे। तुम क्या कर रही हो, चावल क्यों हिल रहा है, तुम इसे बर्बाद कर दोगी। एलेक्स माफ करना, पर क्या करती, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट थे। कोई बात नहीं, हेलमेट ने मुझे बचा लिया। हालांकि टावर की स्थिति बुरी है। वाह, यहाँ चिप्स का पूरा पहाड़ है और सब मेरा है। तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मेरे पास बस एक छोटा सा चिप। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही। इसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। सैंपल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज मिली है, पर अभी इसकी ठीक से जांच करनी होगी। बहुत स्वादिष्ट, पर बहुत कम। एलेक्स अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ऐसे चिप्स को ऐसे कौन बंद करता है कि कोई उसे खोल भी ना पाए। इसे बिना किसी चीज की मदद के नहीं कर सकते। अब यह हुई ना बात, अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगा और तुम सीखना कि चिप्स कैसे खाया जाता है। स्वादिष्ट। चिप्स सही में अच्छा है। इस स्वादिष्ट खाने को अब मेरी बारी है। यम यम। सावधान, चोट लग रही है। माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। बस करो। और मेरा हेलमेट मुझे बचाएगा। मुझे चोट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। यह ट्रक इसमें हमारी सहायता करेगा।
स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। ओ नहीं, ब्रोकली नहीं। मुझे कैसा अजीब बीज मिला है और इसका स्वाद भी बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। अगर मैं एक बीज रोपूं और उसकी देखभाल करूं, तो वह निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट चीज में बदल जाएगी। पौधे तुम लगा रही हो और भुगत हम रहे हैं। रोना बंद करो, इसके बढ़ने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपनी ब्रोकली से निपटने का समय है। इसे देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लग रहा है कि मैं कोई सड़ी हुई चीज खा रहा हूँ। इसकी महक भी अच्छी नहीं है। मुझे तुरंत अपना मुंह साफ करने के लिए कुछ चाहिए। रुको, मुझे बस बीज में डालने के लिए पानी चाहिए। एलेक्स, तुम बस समय पर हो। दोस्तों, कुछ हो रहा है, ये कांप रहा है। मुझे आशा है कि सुरक्षित है। जूली ने खुद ब्रोकली उगाई और फसल भी वैसे ही है। अब तुम्हें इसे खाना होगा। मैंने अपने सर पर मुसीबत ले लिया। तो कैसा है ये? स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत खराब है, एकदम बेकार। और हंसना बंद करो मेला, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं ब्रोकली का एक पूरा गुच्छा नहीं खाना चाहती। शायद इससे छुटकारा पा सकते हैं। हे, देखो वहाँ मिकी माउस है। कहाँ? तुम कितने भोले हो। अब मेरे पास सभी ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए समय है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो? पर ऐसा नहीं है। खास तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सारी ब्रोकली को पकड़ लूंगा। मैंने सब खा लिया। अच्छा, और यह रहा जो तुम सबने फेंका था। और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। दोस्त एक दूसरे को धोखा नहीं देते। तो बोन एपिटेट।